आदमपुर उपचुनाव की तैयारी भी तेज हो चली है। पंचकुला में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, जहां कल दोपहर 3 बजे चुनाव समिति की बैठक रहेगी। बीजेपी प्रभारी विपल देव मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे, चुनाव समिति के सदस्य भी शामिल होंगे। आदमपुर उपचुनाव पर गहन चर्चा की जाएगी, आदमपुर में उम्मीदवार के चयन पर भी मंथन होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, एक तरफ पंचायत चुनाव तो दूसरी तरफ आदमपुर उपचुनाव, दोनों को लेकर बीजेपी इस समय एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के लिहाज से कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल बीजेपी के पंचकुला में 2 बड़ी बैठकें होने जा रही है। जो पहली बड़ी बैठक होगी, वो उस बैठक में बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, उपचुनाव प्रभारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विप्लव देव समेत जो बड़ी लीडरशिप है इस बैठक में मौजूद रहेंगी। इस बैठक में जो पार्टी के जो जिलाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी होंगे, उनकी तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर रिपोर्ट रखी जाएगी। वो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़े जाने चाहिए या नहीं लड़े जाने चाहिए। ये एक बड़ी बैठक है। इस बैठक के बाद 3 बजे बिल्कुल ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, वो बैठक है चुनाव समिति की बैठक। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी समेत जो चुनाव समिति के सदस्य है, चुनाव समिति के जो सदस्य है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी कि और इस बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा कि बीजेपी को पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए। इसके अलावा आदमपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर चर्चा होगी। जो संभावना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में बीजेपी की चुनाव समिति की तरफ से नाम तय कर लिए जाएंगे कि आदमपुर में पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, ये नाम तय कर लिया जाएगा। संभावना यही है, पहला नाम भव्य बिश्नोई का होगा और अगर दूसरे नाम की जरूरत पड़ी तो कुलदीप बिश्नोई का होगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी चाहती कि उनके बेटे भव्य को टिकट मिले। तो ऐसे में जो भी नाम यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, वो नाम फिर बीजेपी आलाकमान को, केंद्रीय बीजेपी को भेज दिया जाएगा, फिर बीजेपी आलाकमान की तरफ से नाम की अनाउंसमेंट की जाएगी। और जो ये बैठक होने, चुनाव समिति की बैठक, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बीजेपी चुनाव समिति की तरफ से नाम कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया जाएगा। अगर नाम डिसाइड नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी नाम डिसाइड करने की पावर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, इनको दे दी जाएगी कि ये नाम डिसाइड कर ले। लेकिन इस बैठक में नामों पर चर्चा होगी। संभावना यही है, पहले नंबर पर भव्य बिश्नोई का नाम रहेगा, क्योंकि कुलदीप खुद चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। दूसरा नाम अगर लगा तो फिर कुलदीप बिश्नोई का नाम होगा। जी शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।